यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जापानी और कोरियाई औद्योगिक शहरों के लिए दो क्षेत्रों को अलग करने का फैसला किया है। यह इन दोनों देशों की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी। जापानी सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 5A में बनेगी, जहां 395 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वहीं कोरियन सिटी सेक्टर 4A में 365 हेक्टेयर पर स्थापित की जाएगी। यहां से जेवर के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी महज 10 किलोमीटर है। इन दोनों परियोजनाओं को कनेक्टिविटी के मामले में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस मामले में प्राधिकरण के CEO अरुण वीर सिंह ने क्या बताया, सुनिए। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर समिट के लिए सारे लोग भेजे गए थे, अधिकारी और माननीय मंत्रीगण भेजे गए थे दुनिया के सभी देशों में, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब के और आशीष पटेल जी के नेतृत्व में साउथ कोरिया और जापान गया था। और वहाँ पर हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनसे भी अलग अलग बात की थी, और साथ ही साथ जो लोग फंड करते हैं, जैसे जायका जो जापान का बहुत बड़ा फंडिंग है जिसने भारत में बहुत निवेश कर रखा है, और भी बड़े बड़े कोरियन फंड हैं, इंटरनेशनल फंड हैं, सबसे बात की थी। तो सबका यह कहना था कि इंडस्ट्री आना चाहती है, क्योंकि इस समय जो वैश्विक माहौल है उसमें भारत में इंडस्ट्री आने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए वो पूरा इकोसिस्टम चाहती हैं। जब हम सब इकोसिस्टम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनकी इंडस्ट्री भी लगे, उनका रेजिडेंस भी हो, उनका खाने का भी, उनके फूड हो, उनका कुजिन हो, उनके इंटरटेनमेंट हो, उनका हॉस्पिटल हो, और उनकी भाषा में पढ़ाए जाने वाले स्कूल हो। तो ये बात उस समय उठाई गई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि आप लोग इंटीग्रेटेड एक अपना प्रस्तुतिकरण करिए, अपना एक प्रोजेक्ट दीजिए। तो दोनों देशों से वो प्रस्तुतिकरण आ गया है। जापान एम्बेसी से तो अलग से पहले से बात चल रही थी, लेकिन हमारे साथ जो एम्यूज हुए थे उनके चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने आकलन किया कि एक एक सेक्टर हम पूरा इन जापानीज़ और कोरियन इंडस्ट्री के लिए लगा सकते हैं। जापान भी बहुत रिच है इंडस्ट्री में, कोरिया भी बहुत रिच है। दोनों देशों की के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से इस क्षेत्र को एक नई गति मिलेगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी। तो इसीलिए दो सेक्टर 4A और 5A हम लोगों ने चयनित किया, जिसमें कि एक में पूरा कोरियन ग्रुप को दिया जाएगा और वो वर्ल्ड सिटी होंगी, सब कुछ ACZ जैसा होगा, और भी सुविधाएं जो होंगी, टैक्स हॉलीडेज वगैरह वो भी दी जाएंगी। इस संबंध में सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। अरुण वीर सिंह ने आगे बताया कि दोनों केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर, AI उपकरण और कैमरे बनाने वाली कंपनियां होंगी। इतना ही नहीं, जापान और साउथ कोरिया की कंपनीज को स्टाम्प शुल्क और दूसरे टैक्स में भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है। इंडस्ट्री के साथ साथ जापान और कोरिया के इन शहरों में रेजिडेंशियल यूनिट भी होंगे। कुछ जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पिछले औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया था। स्थान की जाँच करने और मिट्टी परीक्षण करने के बाद कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई। प्राधिकरण के CEO ने कहा कि सेक्टरों में मिश्रित भूमि उपयोग होगा, जिसमें 70% मुख्य उद्योग के लिए और 13% वाणिज्यिक उपयोग के लिए अलग रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल भूमि का 10% आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और 5% अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे संस्थागत उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष 2% का उपयोग अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा। CEO के मुताबिक इससे लगभग 70 से 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। दोनों ही देश अपने यहाँ 100-100 कंपनियां लगाएंगे, जिनसे लगभग 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।